रैलियों के सुपर मंडे में आज कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों के बीच जमकर जुबानी जंग हो रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोला तो मोदी ने भी पलटवार किया। राहुल ने लातूर में कहा है कि पहले बीजेपी में अटल आडवाणी की पार्टनरशिप थी, अब मोदी और अडानी की पार्टनरशिप चलती है, तो सोनिया गांधी ने वहीं मोदी पर समाज को बांटने वाली राजनीति करने का आरोप लगाया हमेशा की तरह। कांग्रेस की ओर से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं तो मोदी कहां चुप रहने वाले हैं। मोदी ने भी यूपी के लखीमपुर खीरी में सवाल पूछ लिया कि देश के पीएम के अधिकार आखिर किसने छीने हैं। फिलहाल आपको बता रहे हैं राहुल गांधी ने कैसे नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा एक समय था जब बीजेपी में वाजपेयी और आडवाणी की पार्टनरशिप थी, वाजपेयी और आडवाणी का साथ था, इनकी जुगलबंदी थी, इनकी जोड़ी थी, और अब उसी तरह की जोड़ी मोदी और अडानी की हो गई है। फर्क सिर्फ इतना है कि अडानी एक बिजनेसमैन है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि गरीबों की जमीन सस्ते दाम पर मोदी ने अडानी को दे दी। और वहीं नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के अधिकार किसने छीने। आपको याद ही होगा हाल ही में प्रधानमंत्री के पूर्व मीडिया सलाहकार संजय बारू ने किताब लिखी है और उस किताब में खुलासा किया है कि मनमोहन सिंह सिर्फ एक रबर स्टैंप पीएम थे, जबकि असली सरकार सोनिया गांधी और राहुल गांधी चलाते थे। उसी को मुद्दा बनाया है नरेंद्र मोदी ने। आइए आपको सुनाते हैं आज कैसे वार हुआ और फिर पलटवार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की तरफ से, सुनिए। मिलो को मॉल बना दिया, काट के डेवलपर को दे दिया, ये इनका मॉडल है। प्रचार बहुत होता है कि भाई हम प्रगति की बात कर रहे हैं, विकास हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सदियों से शांति और सद्भाव से साथ साथ रहती है, लेकिन भाजपा और उनके सहयोगी संगठनों ने अपने संप्रदाय का एजेंडे के तहत यहाँ के सेक्युलर मूल्यों के ताने बाने को तोड़ने की हर कोशिश की। यहाँ पर राजनीतिक दखल बनाए रखने के लिए विपक्षी दलों ने जाति और मजहब का सहारा लेना शुरू कर दिया, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सेक्युलर मूल्यों की हिमायत की रही है, सभी जातियों सभी धर्मों को लेकर चली है। हमने कभी कभी किसी से भेदभाव नहीं किया। मैडम सोनिया जी, जरा देश जानना चाहता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के मुंह पर ये कहां का ताला लगा हुआ है, जरा बताओ। भाइयों बहनों, हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर को सबसे अधिक किसी ने अपमानित किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। मेरे भाइयों बहनों, आपको जानकर के दुख होगा, इस देश में एक ही परिवार के तीन तीन लोगों को भारत रत्न मिला है और तुरंत मिला है। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बाबा साहब आम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया। ये देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी